और अब हम अपनी वॉशिंग मशीन को करते हैं ऑन। गाइस आप देख सकते हो कि हमारी वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्लास्टिक बाल्टी से वॉशिंग मशीन बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने गंदे कपड़ों को बहुत ही आसानी से धुल सकते हो। इससे आपके समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और इसे बनाने में आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मात्र 500 से 600 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हमने एक प्लास्टिक की ढक्कन वाली बाल्टी ली है। ये आपको मार्केट में 100 से 150 रुपए की आसानी से मिल जाएगी। और इसके बाद हमने कुछ इस टाइप की एक गियर मोटर ली है और इस मोटर को बाल्टी की नीचे साइड एकदम बीचों बीच लगाना है। तो इसे लगाने से पहले इसमें हमें कुछ ऐसा लगाना होगा ताकि बाल्टी के अंदर से पानी लीकेज ना हो और ना ही हमारे मोटर के अंदर पानी जाए, नहीं तो इस साफ्ट से होकर के मोटर के अंदर पानी जा सकता है और हमारी मोटर खराब हो सकती है। गाइस साफ्ट का जो ये वाला हिस्सा है, आप देख सकते हो कि ये ऊपर की साइड थोड़ा निकला हुआ है, तो इसे एकदम लेवल करना होगा। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ गोल पीस कट करके आपस में चिपका दिए हैं ताकि इसकी मोटाई बढ़ जाए। और इसके किनारे पर हमने एक होल किया है क्योंकि जो मोटर की शाफ्ट है ये भी किनारे पर है। तो अब इसे हम इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस मैंने पीवीसी शीट से दो गोल पीस कट किए हैं और इनमें हमने मोटर की शाफ्ट के साइज के होल किए हैं। और इसके बाद हमने मोटरसाइकिल के ट्यूब से कुछ इस टाइप के दो टुकड़े कट कर लिए हैं। और इन दोनों ट्यूब में हमें क्या करना है कि जो मोटर की शाफ्ट की साइज है उस साइज से हमें हल्का होल करना है। तो इसमें हम कैंची की मदद से कुछ इस तरीके से होल कर लेते हैं और इसी प्रकार से हम दूसरे वाले टुकड़े में भी होल कर लेंगे। तो हमने दोनों टुकड़ों में होल कर लिया है और अब इसे क्या करना है कि मोटर की शाफ्ट में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है, जो कि एकदम आसानी से फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद जो पीवीसी शीट का पीस है इसे हम ऊपर साइड से कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और अब इसे ऐसे ही रख करके चिपकाना होगा। तो इसे चिपकाने के लिए हम फेविटाइट का यूज़ करेंगे, फेविक्विक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो फेविक्विक होता है ये पानी में निकल जाता है। तो इसलिए हम फेविटाइट का यूज़ करेंगे और इसके दोनों ट्यूब को मिक्स करके चिपकाना होता है। तो इसके लिए हम दोनों ट्यूब से थोड़ा थोड़ा ग्लू निकाल लेंगे और फिर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस हमने इसे एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसे मोटर के चारों तरफ कुछ इस तरीके से लगा देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि मोटर की शाफ्ट में ग्लू नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारी मोटर की शाफ्ट जाम हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है कि ट्यूब के इस टुकड़े को मोटर में कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका देना है और फिर इसके ऊपर साइड में भी हमें ग्लू को चारों तरफ लगा देना है। और ग्लू लगाने के बाद हमें पीवीसी शीट के इस पीस को भी फिक्स करके चिपका देना है। गाइस हमने दोनों ट्यूब के टुकड़ों को और दोनों पीवीसी शीट के पीस को दो लेयर में फिक्स करके चिपका दिया है और जो ट्यूब की एक्स्ट्रा साइज थी उसे हमने कट कर दिया है। और अब अगर एक ट्यूब से पानी निकल भी जाएगा तो दूसरे वाले ट्यूब से पानी नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमने इसमें दो ट्यूब के टुकड़ों को लगाया है। और अब इसे क्या करना है कि अपनी बाल्टी के नीचे साइड एकदम बीचों बीच लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हम इसके मिडल में मोटर की शाफ्ट की साइज का एक होल कर लेंगे। तो हमने होल कर लिया है और अब हमें क्या करना है कि इस मोटर को होल में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब इसे और मजबूत बनाने के लिए हम इसके चारों तरफ फेविटाइट लगा देंगे। और अब मैंने ट्यूब से एक गोल पीस कट किया है और इसके मिडल में हमने एक होल किया है और इसी टाइप से हमने एक पीवीसी शीट का गोल पीस कट किया है और इसके मिडल में भी हमने होल किया है। और अब इन दोनों को कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो पहले हम इसके चारों तरफ फेविटाइट लगा देंगे और फिर इसे हम कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देंगे। और अब इसी टाइप से हम ट्यूब के दूसरी साइड में भी फेविटाइट को चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो हमने इसके चारों तरफ फेविटाइट को लगा लिया है और अब इसे क्या करना है कि अपनी बाल्टी के अंदर साइड से मोटर की शाफ्ट में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है ताकि हमारी बाल्टी से बिल्कुल भी पानी लीकेज ना हो। और अब इसे 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। गाइस इस मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में चलाना है, तो इसके लिए हमें एक जुगाड़ बनाना होगा। तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप के 3 पिन वाले दो स्विच लिए हैं और इन्हें फिक्स करने के लिए हमने एक पीवीसी शीट में इनकी साइज की कटिंग कर ली है। तो इसमें हम दोनों स्विच को कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेंगे और फिर इनमें हम नट बोल्ट को कस करके फटाफट से टाइट कर लेंगे। तो हमने सभी नट बोल्ट को कस लिया है और अब हमने पीवीसी शीट से एक छोटा सा टुकड़ा कट किया है और इसे दोनों स्विच पर कुछ इस तरीके से चिपकाना है ताकि हम दोनों स्विच को एक साथ प्रेस कर सकें। और अब हमने कुछ इस टाइप की एक गियर मोटर ली है और इस गियर मोटर को दोनों स्विच के आगे साइड कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक स्टैंड बनाया है और इस स्टैंड को हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब इस गियर मोटर को इसमें फिक्स कर देना है। तो
इसे फिक्स करने के लिए पहले इसके नट को खोल लेना है और फिर इसे इसमें कुछ इस तरीके से फिक्स करके इसके नट को वापस से कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। तो हमारी मोटर इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो चुकी है और अब हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप के दो गोल पीस कट किए हैं और इनके मिडल में हमने मोटर के शाफ्ट के साइज के होल किए हैं। और अब इन पीसेस को क्या करना है कि कटर की मदद से कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, जिस तरीके से हम कट कर रहे हैं इसी तरीके से आपको भी कट कर लेना है और इसी टाइप से हम दूसरे वाले पीस को भी कट कर लेंगे। तो हमने दोनों पीसेस को कुछ इस टाइप से कट कर लिया है और अब इनमें से एक पीस को हम मोटर की शाफ्ट में थोड़ा अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फिक्स करके इसमें हल्का सा फेविक्विक लगा करके इसे चिपका देंगे और इसी टाइप से जो दूसरा वाला पीस है इसे हम मोटर की शाफ्ट में एकदम बाहर की तरफ फिक्स करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पीस पहले वाले पीस के एकदम दूसरी दिशा में होना चाहिए। गाइस, हमने दोनों पीसेस को फिक्स करके चिपका दिया है और अब हमारी मोटर जैसे ही घूमेगी तो ये स्विच को दोनों साइड में कुछ इस तरीके से प्रेस करेगी। गाइस, हमारी मोटर 12 वोल्ट पर थोड़ी ज्यादा स्पीड से घूमेगी तो ये स्विच को भी जल्दी जल्दी प्रेस करेगी, तो इसकी हमें स्पीड को कम करना होगा। तो इसके लिए हम इसका वोल्टेज कम कर देंगे। तो वोल्टेज कम करने के लिए हम लेंगे एक 7805 की आईसी और इसकी जो लेफ्ट वाली लैग है ये इनपुट लैग है और इसकी जो राइट वाली लैग है ये आउटपुट लैग है और इसकी जो मिडल वाली लैग है ये ग्राउंड लैग है। तो इसकी आउटपुट और ग्राउंड वाली लैग को हम अपनी मोटर के दोनों लैग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब हम दो वायर लेंगे और इसके एक वायर को हम आईसी की इनपुट वाली लैग से सोल्डरिंग कर देंगे और दूसरे वाले वायर को हम ग्राउंड वाली लैग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब हम जैसे ही इसमें 12 वोल्ट पावर देंगे तो हमारी आईसी मोटर में सिर्फ 5 वोल्ट पहुंचाएगी और इससे हमारी मोटर एकदम स्लो घूमेगी। और अब गाइस, हमें इन स्विच के कनेक्शन करना है तो फटाफट से हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो हमने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है और इसके कनेक्शन एकदम सिंपल हैं। सबसे पहले हमने दो वायर लिए और इन दोनों वायर को हमने दोनों स्विच की एक एक पिन से कनेक्ट कर दिया और इस वाले से हमने एक वायर लिया, इसे हमने दूसरे वाले स्विच की आखिरी वाली पिन से कनेक्ट कर दिया और इस वाले से हमने एक वायर लिया, इसे हमने पहले वाले स्विच की आखिरी वाली पिन से कनेक्ट कर दिया और इसकी जो मिडल वाली पिन है इनमें हमने दो वायर कनेक्ट कर दिए। ये वाले वायर इसके इनपुट वायर हैं और ये वाले वायर इसके आउटपुट वाले वायर हैं। तो इसके जो इनपुट वाले वायर हैं इन्हें हम इस वाली गियर मोटर के दोनों वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो हम रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। और अब इसे क्या करना है कि अपनी बाल्टी के नीचे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसमें फेविक्विक लगा करके इसे अच्छे से चिपका देना है। और अब गाइस, जो हमारे स्विच के आउटपुट वाले वायर हैं इन दोनों वायर को हम इस वाली गियर मोटर की दोनों लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और इसके बाद हमें एक प्लास्टिक की बाल्टी लेना है। आपको नया बाल्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी बाल्टी यूज़ की ना हो या फिर फटी हो आप उस बाल्टी को ले सकते हो। आप देख सकते हो कि ये बाल्टी यहाँ से फटी है, तो पहले हम इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे और फिर इसे हम बीच से कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है और इसकी यहाँ पर हमने स्विच और फीमेल सॉकेट के लिए कटिंग कर ली है। तो अब हमें लेना है एक स्विच और एक 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट और इन दोनों को हम इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि जो हमारे दोनों गियर मोटर के वायर हैं इनके हम फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। इनके कनेक्शन एकदम सिंपल हैं। सबसे पहले हम दोनों गियर मोटर के रेड वाले वायर को फीमेल सॉकेट की एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे और दोनों ब्लैक वायर को हम स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब हम एक वायर लेंगे और इसे हम फीमेल सॉकेट की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे और इसके दूसरे वाले सिरे को हम स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने इसके सभी कनेक्शन कर लिए हैं और अब इस बाल्टी की मदद से हम दोनों गियर मोटर को कुछ इस टाइप से कवर कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें एक प्रोपेलर बनाना है जो हमारे कपड़ों को वॉश करेगा। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से एक बड़ा सा गोल पीस कट किया है और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप के चार पीस बनाए हैं। इन्हें हमने हीट करके कुछ इस तरीके से मोड़ दिया है और इन चारों को हम इसके चारों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इन्हें हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो
तो गाइस हमने सभी पीसेस को फिक्स करके चिपका दिया है और इनमें हमने फेविटाइट को भी लगा दिया है ताकि सभी पीसेस अपनी जगह मजबूती से फिक्स बने रहें और पानी से न निकले, क्योंकि ये प्रोपेलर पानी के अंदर रहेगी। और अब हमें क्या करना है कि इनके बीच बीच में हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर देना है, जैसे कि वॉशिंग मशीन की प्रोपेलर में होते हैं। तो हमने इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं और इसकी मिडल में हमने एक मोटर की शाफ्ट की साइज का होल किया है। और अब इसे क्या करना है कि इस बाल्टी के अंदर मोटर की शाफ्ट में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसमें फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब इसे और मजबूत बनाने के लिए हम इसमें फेविटाइट लगा देंगे। तो गाइस हमारी वॉशिंग मशीन बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। इसकी जो प्रोपेलर है इसे हमने फेविक्विक और फेविटाइट की मदद से चिपकाया था तो ये बार बार निकल जा रही थी, तो इसलिए हमने इसमें जो 775 डीसी मोटर का ग्राइंडर चक होता है उसे हमने इसमें फिक्स करके अच्छे तरीके से कस दिया है और अब इसकी प्रोपेलर नहीं निकलेगी। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है, आप इसे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से भी चला सकते हो। और इसके बाद हमने दो वायर लिए हैं और इन दोनों वायर को हम बैटरी के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे और इसका जो मेल सॉकेट है इसे अपने वॉशिंग मशीन के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। और अब इसके स्विच को करते हैं ऑन। गाइस आप देख सकते हो कि हमारी वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है और इसकी जो प्रोपेलर है वो अभी सीधी घूम रही है और कुछ समय के बाद ये अपने आप से रिवर्स में घूमने लगती है। तो इस तरीके से हमारी वॉशिंग मशीन काम करती है। तो चलिए अब हम इसे अपने कपड़ों को साफ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पानी भर लेते हैं और अब इसमें हमें डाल देना है निरमा यानी कि डिटर्जेंट पाउडर। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ गंदे कपड़ों को डाल देते हैं और अब हम अपनी वॉशिंग मशीन को करते हैं ऑन। गाइस आप देख सकते हो कि हमारी वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है और ये कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है आप देख ही सकते हो। और अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब हम इसके ढक्कन को कवर करके इसमें लगा देते हैं। और गाइस आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें एक या दो जोड़ी ही कपड़े डालना, उससे ज़्यादा मत डालना, नहीं तो हमारी मशीन लोड नहीं ले पाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारे कपड़े एकदम अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँ। तो गाइस हमें 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके ढक्कन को खोलते हैं और आप देख सकते हो कि हमारे कपड़े एकदम अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम अपनी वॉशिंग मशीन को करते हैं ऑफ और अब इन कपड़ों को निकाल करके हम साफ़ पानी से धुल लेते हैं। तो गाइस हमारे गंदे कपड़े एकदम अच्छे तरीके से साफ हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गंदे कपड़ों को इस मशीन की मदद से साफ कर सकते हो। तो गाइस आपको हमारी ये वॉशिंग मशीन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।